स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैडनिंग स्टडी में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को री की मात्रा वाले शब्दों का वाक्यों में प्रयोग यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, हम लोग जब स्वर पढ़ते हैं आ आ ई ई उ उ तो उसमें एक री यहां पर क्या है, एक अक्षर वहां पर जो स्वर है वो आती है। ठीक है, तो री की जो मात्रा है इसका भी इस्तेमाल कभी हम लोगों ने अपने वाक्यों में तो देखा ही होगा और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल भी होता है शब्द को लिखने के लिए, तो इसका जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि मैं जो भी आपके लिए वीडियोस लाऊं, चूंकि मैं हिंदी यहां पर लिखना पढ़ना सिखा रहा हूं आप सबको इस चैनल के माध्यम से, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए ये है दोस्तों अ मा में री की मात्रा है। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पर अक्षर में अगर यहाँ पर मान लीजिए कि री की मात्रा लगती है तो जैसे उसको हम लोग उस वाले अक्षर के नीचे रा में मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये है अ, ठीक है, तो ये क्या है मा है और नीचे में री की मात्रा है, तो इसको आवाज़ जो है वो नीचे की तरफ रहती है यानी कि मृी। अगर का में रखेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्री, ठीक है, अगर जा में है तो इसको पढ़ेंगे जरी, अगर मान लीजिए कि था में है तो इसको पढ़ेंगे थ्री, ठीक है, तो ये क्या है अ मृी त अमृत ए क एक, ये क्या हो जाएगा कृषक था अमृत एक कृषक था। अमृत यहाँ पर क्या है, एक आदमी का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए वह कृषि करता था, वह बहुत कृपण था, उसकी गृहिणी मृदुला थी। ठीक है, जो भी यहाँ पर हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं इसमें यहाँ पर दिखाया गया है री की मात्रा को, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा वाक्य यहाँ पर अजीब सा लग रहा है। तो चलिए ये है वह मृदुल वह कृपालु थी, वह मृदुल वह कृपालु थी, उसके पास एक मृग था। मृग दोस्तों पर्यायवाची शब्द है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं या फिर आप मुझे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मृग के दृग बहुत सुंदर थे, ठीक है, उसके बाद उसके पास दो वृषभ भी थे, वह वृषभ लेकर कृषि करने जाता था, मृग तृण चर रहा था। ठीक है, मृग के पीछे एक नृप था, नृप मृग का शिकार करना चाहता था, अमृत मृदुल तथा सहृदय था, एक दिन अमृत व मृदुला भृगु कृषि की कुटिया पर गए, ऋषि का हृदय कृपा व मृदुता का गृह था, ऋषि का वचन अमृत सदृश था, ऋषि की कृपा पाकर अमृत बहुत खुश हुआ, ऋषि ने अमृत को वृक्ष लगाने को कहा, वृक्ष लगाना अच्छी बात है, वृक्ष को काटना बुरी बात है, मृग की हत्या करना भी पाप है, अमृत ने मृदुला से कहा गृह का सब काम कर, मातृ पितृ की सेवा कर। मातृ और पितृ की दोस्तों मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वृषभ पर कृपा कर, देखा आप लोगों ने, एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों जिसमें मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बता दिया कि री की मात्रा यहाँ पर कैसे हम लोग शब्दों में यहाँ पर प्रयोग करते हैं, और शब्दों को जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है शब्दों को जब सार्थक रूप बनाएंगे तो वो एक वाक्य का रूप ले लेता है। जैसे कि एक शब्द ये है वृषभ पर कृपा कर, ये जो क्या है चार शब्द हैं और शब्दों को मिलाकर क्या है एक इसको एक सीक्वेंस में हमने सजा दिया तो ये क्या बन गया, एक अर्थवान एक वाक्य बन गया, ठीक है ना, तो ये वाक्य में तब्दील हो गई। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।